सब्सक्राइब कीजिए हमारे बिगहाट इंडिया चैनल को और घंटी के आइकन को दबाकर सबसे पहले कृषि संबंधी वीडियो को देखें। नमस्ते किसान भाइयों, मैं मीनल पाटनी, फार्मर एडवाइजरी सेक्शन बिगहाट। आज हम टोस्पो वायरस के बारे में बात करेंगे। टोस्पो वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है, किस किस फसलों में आपका मुख्यतः लगता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले टोस्पो वायरस का पूरा नाम होता है टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, जो कि आपका मुख्यतः शिमला मिर्च बैंगन टमाटर में आपका फैलता है। इनका मुख्यतः प्रकोप इन फसलों में देखा जाता है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो आपको इसका लक्षण दिखाई देता है इसकी पत्तियों पर, फल पर, फूल पर, पूरे प्लांट पर दिखाई देता है। आपका पूरा प्लांट मुरझाने जैसा लग जाता है, पत्तियां मुरझा जाती है। इसका आपका फल पर, पत्तियों पर इसका लक्षण आपका सफ़ेद भूरे कलर के आपका धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जो कि नई शाखाओं पर, नई टहनियों पर और फूलों के गुच्छों पर भी दिखाई देते हैं। अगर हम फल की बात करें तो फल आपका डिसकलरेशन होने लग जाता है, पेल ग्रीन कलर का धब्बे बन जाते हैं वहाँ पर, या पेल येलो कलर के धब्बे बनने लगते हैं। एक नेक्रोटिक का प्रॉब्लम आपको फल पर दिखाई देता है, नेक्रोटिक स्पॉट्स का, जो कि आपका ब्लैक कलर का रोटेन सड़ा हुआ आपको धब्बा दिखाई देने लगता है। उसके बाद अगर आप आपका जो फल रहता है वो आपका छोटा साइज का बनता है, स्वाद में भी बिल्कुल नहीं रखता है, प्रॉपर शेप नहीं ले पाता आपका फल, इस तरह से इसके लक्षण पूरे प्लांट पर दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम इसके फैलने की बात करें कि ये कैसे फैलता है, तो आपका एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ये सकिंग पेस्ट के द्वारा फैलता है। जो भी आपके फील्ड में सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स वगैरह लगा हुआ है तो वो आपके वायरस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ले जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये कैसे, क्या, किस किस की वजह से हमें फैलता है। तो उन बातों को हमें ध्यान रखने के लिए हम ये उपाय करेंगे। सबसे पहला हम उपाय करेंगे, आप नर्सरी की तरफ ध्यान देंगे। सबसे स्टार्टिंग से ये नर्सरी आप ऐसे जगह पर तैयार करेंगे जहाँ पर आपका पूरा कीड़े का, बीमारी का कोई प्रकोप ना हो, पूरा आपका फील्ड अच्छा हो, वहाँ पर आप नर्सरी तैयार करेंगे। नर्सरी तैयार करने के बाद जब आप प्लांट को, पौधे को फील्ड में लगाते हैं तो वहाँ पर आप एक साफ स्वस्थ पौधा लेंगे जिसमें कोई भी बीमारी और कोई भी कीड़े का प्रकोप ना हो। उसके बाद तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि हमेशा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रखना है आपको, जो पोषक तत्वों का पौधे को जरूरी रहता है, 16 पोषक तत्वों का आवश्यकता रहता है, तो वो आपको प्लांट को बैलेंस डाइट में देना है, संतुलित में देना है, कि अगर एक भी आपका पोषक तत्व का कमी रहता है या कम ज़्यादा हो जाता है तो आपका वायरस का प्रकोप बढ़ जाता है। फार्मर को इतना पता होता है कि आपको पौधे को खेत में आपको नाइट्रोजन देना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में देना है। अगर वो उनको बस ये पता होता है कि उनको यूरिया और आपका जो DAP है वो खेत में डालना है तो नाइट्रोजन मिल जाएगा, जबकि जिन फसलों में आपका टोस्पो का प्रकोप ज़्यादा होता है उसमें आपको अमोनिया वाला फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। DAP और यूरिया में आपका अमोनिया फर्टिलाइज़र होता है, जो कि आपका टोस्पो वायरस को बढ़ाता है, तो उसकी जगह आप यूरिया और DAP की तरफ ना जाकर कैल्शियम नाइट्रेट की तरफ जा सकते हैं। उससे आपके प्लांट नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन ग्रहण करेगा तो आपका टोस्पो वायरस का प्रकोप कम होगा। उसके बाद चौथी बात है कि पोल्ट्री मैन्यूर का फार्मर बहुत यूज़ करते हैं, तो आपको पोल्ट्री मैन्यूर का, जो जिसको हम बोलते हैं मुर्गी की खाद, वो आपको जिस फसलों में टोस्पो का प्रकोप ज़्यादा होता है वहाँ पर उपयोग नहीं करना है। पोल्ट्री मैन्यूर रहता है उसमें आपका अमोनिया ज़्यादा रहता है, तो उससे प्लांट में आपका टोस्पो का बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट पूरा अच्छे से हो, खरपतवार नियंत्रण आपको एक अच्छे से करना है कि जहाँ पर आपका खेत है वहाँ पर आपको खरपतवार नहीं होने देना है, क्योंकि अगर खरपतवार ज़्यादा होंगे तो आपका वायरस का भी प्रकोप बढ़ेगा। तो आपको खरपतवार नियंत्रण रखना है, न्यूट्रिएंट पूरा अच्छे से देना है और नाइट्रेट फॉर्म वाले फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, पोल्ट्री मैन्यूर का यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह आप नाइट्रेट पे या किसी और खाद पर जा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिगहाट इंडिया चैनल को।